कोविड-19 वैक्सीन को लेकर पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आगामी 16 जनवरी को लॉन्च का प्रोग्राम रखा गया है। हरियाणा के करीब 111 सेशन साइट पर चालू होगी। मेवात जिले की 4 CSC को इनॉग्रेशन के लिए चुना गया है। यह जानकारी नूह स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर वसंत दुबे ने दी है। डॉक्टर वसंत दुबे ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जल्दी ही नूह जिले में 1-2 दिन के अंदर सरकार द्वारा वैक्सीन आने की उम्मीद है। वैक्सीन को लेकर नूह स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। डॉक्टर वसंत दुबे ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के प्रथम चरण में आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, डॉक्टर्स तथा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। डॉक्टर वसंत दुबे ने कहा कि इन टीके सभी टीके लगवाने वाले लोगों को डिटेल पोर्टल पर भी उपलब्ध होगी। कुल मिलाकर जो टीमें कोरोना वैक्सीन के टीके लगाएंगी उनको पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया है। 4 सरकारी अस्पतालों पर सिविल सर्जन जाकर तैयारियों का जायजा लेंगे। कुल मिलाकर जानलेवा कोरोना बीमारी का टीका भले ही आप लोगों को लगना शुरू हो गया हो, लेकिन अभी भी इससे सावधान रहें, सतर्क रहने की जरूरत है। कुल मिलाकर कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना तथा साबुन से हाथों को बार बार धोना अभी भी लोगों को जारी रखना होगा। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। वैक्सीन के लिए बात करें तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा 16 जनवरी का लॉन्च प्लान किया गया है, जो कि पूरे भारत में होगा। इसमें से हरियाणा के करीब 111 सेशन साइट्स पे चालू होगी और मेवात की उसमें से 4 साइट्स होंगी। जो हमारे 4 CSCs हैं उनको हमने नामांकित किया है वैक्सीनेशन की इनॉग्रेशन के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो देखते हैं, वैक्सीन भी हो सकता है, उम्मीद है तो जल्द ही 1-2 दिन के अंदर हो सकता है हमारे पास सरकार द्वारा पहुँचे, और उसकी तैयारियाँ पूरी हैं, हर जगह पे लोग सतर्क हैं। और 7 तारीख को पूरे हरियाणा ने ही इसका ड्राई रन करके देख चुके हैं, कुछ कमियां जो थी उसकी पूर्ति के लिए तैयारी कर चुके हैं। ये हमारी तैयारी है। ड्राई रन था वो तो बिना वैक्सीन के ही हमने तैयारियों का जायजा लेने के लिए किया था। वो 6 जगहों पे हमने किया था और उसमें हर जगह पे 30-30 लोग जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनके लिए इसकी तैयारी का किया था। तो 180 लोग टोटल थे इन 6 जगहों पे, 6×30 करके। तो वहाँ पे DC साहब, CMO साहब, खुद ही हमारी पूरी टीम 2 जगह पे, तो शिकरावा पे और फिरोजपुर झिरका में, जैसे कि पहले भी सब लोग जान चुके हैं कि सबसे दूर दूर की जो एरिया थे, एक क्या कहते हैं फिरोजपुर झिरका हमारा जो था वो अर्बन था और एक हमारा रूरल एरिया था शिकरावा। इसके स्वयं उपायुक्त महोदय ने ही अपनी देख रेख में पूरी प्रक्रिया देखी और उसकी कमियों का जायजा लिया और उसकी पूर्ति हेतु अधिकारियों को उन्होंने संदेश दिया। सबसे पहले जो है हेल्थ केयर वर्कर्स जो भी हैं, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में किसी भी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये दी जाएगी। भले वो कोई लैब हो, अल्ट्रासाउंड सेंटर, उनकी लिस्ट हमारे पास जिले में उपलब्ध है, करीब 5,825 लोग के आसपास हैं, उनको ये पहले दिया जाएगा। उसके बाद फिर सेकेंड फेज में जो भी पुलिस के लोग हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, MC म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया या दूसरे हो गए, पुलिस वाले, आर्मी वाले, जो भी हैं यहाँ पे, भले सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को, जो भी हमारे जिले में है, उनकी लिस्ट उनके डिपार्टमेंट द्वारा हमसे साझा की जाएगी। उस लिस्ट के बेसिस पे उनको दी जाएगी वैक्सीन। उसके बाद जो है बाकी ऑफिसर्स जो हैं या फिर 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं जितने भी, या 50 साल से कम वाले भी हैं लेकिन कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, डायबिटीज़ है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य लाभ की वैक्सीनेशन के द्वारा, उनको लिया जाएगा तीसरे फेज में, जो कि हमारे कोमॉर्बिड लोग हैं, 50 साल से ऊपर वाले हैं। कोरोना जो है वैक्सीनेशन से ऐसा नहीं होता कि बीमारी नहीं होती, जैसे कि हम डिफ्थीरिया गलगोटू हमारे यहाँ खूब फैला हुआ है, तो उसके भी 3 डोज तो प्राइमरी होती है, उसके बाद उसके बूस्टर डोज लगते रहने चाहिए रेगुलर बेसिस पे, या तो क्या हर 5-5 साल के अंदर लगनी चाहिए। ऐसे ही कोरोना की वैक्सीन, कई वैक्सीन ऐसी होती है जिनकी हमें हर साल वैक्सीनेशन करना होता है। तो कोविड की वैक्सीन का जो असर है या उसकी पूरी प्रक्रिया है वो अभी तक सबके सामने जाहिर नहीं की गई है, लेकिन हमारी समझ से ये पक्का है कि ये वैक्सीनेशन एक बार में प्रक्रिया पूरी नहीं होगी और सबको फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, कफ एटिकेट्स, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहते हैं कैब, उसका संपूर्णतया पालन आगे भी करते रहना ही पड़ेगा, करते रहना चाहिए। तो सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आम जनता से कि सभी इसमें सहयोग करें और जो सरकारी विभाग के लोग हैं वो सबका इसका प्रचार प्रसार रखें, IEC कराते रहें कि सब लोग मास्क पक्का पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, एक दूसरे से दूरी बनाएं, जो खांसने छींकते समय